Not on the gate! मेरा नाम खरगोश देव है, खरगोश देव। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मार नहीं सकती, कोई तीर, कोई तलवार, कोई खंजर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुनिया की बड़ी से बड़ी फौज भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ना कोई समुंदर मुझे डुबो सकता है, ना कोई आग मुझे जला सकती है। देखना चाहती हो? देखो। इसीलिए कहता हूं कि उस बेवकूफ का ख्याल छोड़ दो और मेरी हो जाओ। फिर मेरे साथ साथ तुम भी हमेशा के लिए जिंदा हो जाओगी। बेवकूफ लड़की, तुमने अपना प्लान पूरा किया ना? ले लो, फिर एक बार कोशिश करके देख लो, मुझ पर कोई असर नहीं होगा, मुझ पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि मेरी मौत मेरी मुट्ठी में है। मेरी मौत का राज सिर्फ मैं जानता हूं, मेरे सिवा कोई नहीं जानता। और जब तक ये राज मेरे सीने में है, तब तक मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं, कोई भी नहीं, कोई नहीं। क्या मैं इस मासूम लड़की को इस देव के जंगल से नहीं छुड़ा सकता? आखिर इसकी मौत का राज क्या है? और सुनो, तुमने मेरी नरमी का बहुत फायदा उठाया है, मगर अब मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा। या तो तुम मेरी बात मानोगी, या तुम्हारे आशिक को तुम्हारे सामने ही जलाकर खाक कर दूंगा। लो, खुद ही देख लो। राजपी, राजपी, राजपी। सुल्तान, 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 गजाला, ये तुम्हें क्या हो गया सुल्तान? तुम्हारा ये हाल मुझसे देखा नहीं जाता। मेरी जिंदगी ये सब इस जालिम बेरहम जानवर की करतूत है, इसी ने हमको जुदा किया है गजाला। जालिम, तू कितना ही जुल्म ढाले, कितने ही सितम ढाले, मगर अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकता। चलो, इसका भी पता अभी चल जाएगा। छोड़ दे ना, मेरी जान, अभी तो तुम्हें अपने आशिक के जल मरने का तमाशा जो देखना है। ये क्या कर रही हो गजाला? नहीं, मुझे जल जाने दो, मुझे मर जाने दो, मगर इस दलील का कहा मत मानो। अगर ये मुझे जलाकर राख कर दे तो मैं अब तक नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हारी हालत
सकती। रोको। आपका हुक्म सर आंखों पर। सरकार ये लीजिए। जालिम, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं इसी जगह सरपटक अपनी जान दे दूंगी। घबरा मत गजाला, तुम्हारे आशिक को कुछ नहीं होगा, यह भी भला चंगा हो जाएगा। गजाला, 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 छोड़ दो उसे बेरहम, गजाला, गजाला, छोड़ दे, गजाला, बात हो चुका, अब तुम दोनों एक दूसरे को खुदा हाफिज कह लो। अब तुम मेरी हो गदाला, मेरी हो। मैं बात चाह कि तुम प्यार से मान जाओ, लेकिन तुम अपनी जिद पर अड़ी रही। लेकिन अब मैं तुम्हें यहां से अपनी दुल्हन बनाकर लेकर जाऊंगा। बस सिर्फ आज की रात और थोड़ा आराम कर लो, सिर्फ आज की रात। चलो। ये राज है, सफेद फूल सुंघाने से सर अलग हो जाता है और सुर्ख फूल सुंघाने से सर जुड़ जाता है। Thank you.
अच्छा मेरी जान, रुखसत। तुम्हारे सुल्तान का दोस्त हूँ। झूठ बोलते हो तुम। तुम वही जालिम इंसान हो। यकीन मानो, मेरा नाम सिंदबाद है, सिंदबाद जहाजी। मैं तुम्हारे और सुल्तान के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ और अब तुम्हें इस जालिम के पंजे से आजाद कराने आया हूँ। ये नामुमकिन है। मुझे इस जालिम के पंजे से कोई नहीं छुड़ा सकता, कोई नहीं। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो खुदा पर भरोसा रखो, वो हमारी मदद करेगा। तो मुझे खुदा पर भी भरोसा नहीं रहा। नहीं नहीं, इंसान को किसी भी हाल में मायूस नहीं होना चाहिए। अगर तुमने भी मेरी तरह तूफान के थपेड़े सहे होते तो तुम भी इसी तरह मायूस हो जाते, दिन रात मौत की दुआ मांगते। मगर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें इस तूफान से निकाल ले जाऊंगा। मैं जाने उसकी मौत का राज क्या है। हाँ, मैंने तुम्हें उस पर वार करते हुए देखा है, उसकी बातें भी सुनी है। काश मुझे मालूम होता उसकी मौत का राज क्या है। अच्छा, क्या तुम इस महल के रास्तों से वाकिफ हो? हाँ, एक मर्तबा उसने मुझे सारा महल दिखाया था। यहाँ कोई चोर दरवाजा भी है? ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक दरवाजा जरूर ऐसा है जो हमेशा बंद रहता है। मैंने उसके बारे में जानना चाहा तो वो टाल गया। बस तुम मुझे उस दरवाजे तक ले चलो। चलो। यही है वो दरवाजा।
बाबा 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 सिंधबाद है, सिंधबाद जाजी। मगर आपको कैसे मालूम? मुझे तो ये भी मालूम है कि उस सालिम देव की मौत तुम्हारे हाथों से होगी। मगर आप हैं कौन? मेरा नाम शेखपाल है, मैं उस बेईमान का उस्ताद हूं। उसने मेरे साथ दगा की है, दगा। और अब मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, तुम्हारा ही इंतजार था। मुझे अपने इल्म के जोर से मालूम था कि एक दिन सिंधबाद नाम का नौजवान आएगा और मुझे मुझे इस मुसीबत से निकालेगा। मगर आपकी हालत किसने बनाई? उसी कमीने ने, उसने मेरा जादू मुझ पर ही उलट दिया। मगर अब उसका वक्त आ पहुंचा है। मगर मैंने सुना है उसकी मौत का राज अलावा उसके और किसी को नहीं मालूम। उसकी मौत का राज सिर्फ दो आदमियों को मालूम है, एक वो खुद, दूसरा मैं। आप मुझे वो राज बताएंगे? मैं तुम्हें ये राज जरूर बताऊंगा। सुनो, उस जालिम की मौत उसकी खाल में है। खाल? हाँ, खाल, जिसे वो शीशे के मर्तमान में रखता है। हाँ। और जैसे ही वो खाल रखता है, वो खाल एक सांप बन जाती है। बस तुम किसी तरह उसकी वो खाल को चला दो, और जैसे ही तुम उसकी खाल को आग लगाओगे, वो भी जलकर खाक हो जाएगा।
क्यों लगे हैं बाबा? बाबा 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 क्या हुआ? बेटे, मैंने उसकी मौत का राज तुमको बता दिया ना, इसलिए मेरे अंदर ही अंदर आग लग गई। मगर ये कैसे मुमकिन है? जादू में सब मुमकिन है। इस राज से सिर्फ दो लोग वाकिफ थे, एक वो दूसरा मैं, क्योंकि ये सब जादू का खेल था। उसकी शर्त बड़ी अजीबोगरीब थी कि जो शख्स ये राज किसी को भी बताएगा वो अंदर ही अंदर चलकर मर जाएगा। तुम भी ये राज किसी को मत बताना, किसी को मत बताना। मगर पापा, पापा जब आप जानते थे कि ये राज बताने के बाद आप नहीं बचेंगे, तो फिर क्यों आपने ये राज बताया? क्यों अपनी जान दे दी? तुम जैसे लोगों को उस जालिम से निजात दिलाने के लिए इस मासूम लड़की की मोहब्बत बचाने के लिए और उस कुत्ते को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। अच्छा बेटे सिंधवाद, मैंने तो अपना फर्ज अदा किया, अब तुम भी अपना फर्ज अदा करो। उस बेईमान का खात्मा कर दो। मगर ख्याल रहे कि उसका वो राज किसी को मत बताना, नहीं तो तुम भी अंदर ही अंदर चलकर मर जाओगे। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा इस नेक इंसान को जन्नत नसीब करे। इसने हमारी खातिर अपनी जान दे दी। मगर वो राज तुम तो जानती हो, अब मैं भी वो राज किसी को नहीं बता सकता। मगर वो देव अब ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता, उसकी जिंदगी के दिन अब पूरे हो चुके हैं। ये तो वक्त ही बताएगा कि किसकी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं। पकड़ लो इस हरामजादे को। क्यों जनाब सिंधवाद, तुम तो मेरी मौत का राज जान चुके हो ना, तभी चुप क्यों हो? बता दो गजाला को। अब तुम जिंदगी भर इसी कमरे में सड़ोगे, चाहने के बावजूद अपनी जबान नहीं खोल सकोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए भी वही सजा सोची है जो अपने उस्ताद को दी थी। इस बदनसीब को उसी जगह लटका दो जहां हमारे उस्ताद लटके हुए थे। चल मेरे साथ। नसीम, अब हमारी गजाला तुम्हारी निगरानी में रहेगी जी। और तुम्हें भी रोज रोज की मौत से छुटकारा मिल गया। और फिर कल तक की तो बात है, कल तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी।
तेरा अंजाम करीब आ चुका है। कौन मारेगा मुझे? वो तुम्हारा मददगार जो खुद सूली पर लटक रहा है। अगर मैं चाहूं तो अभी उसे मार सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं उसे तमाशा दिखाना चाहता हूं, उसकी बेबसी और अपनी शादी का तमाशा। और हाँ, और फिर तुम्हारा सुल्तान भी तो है, उसे भी बुलाऊंगा अपनी शादी पर। जब तक के लिए तुम्हारे पास बहुत वक्त है, बहुत वक्त है। आराम से बैठकर दुआ मांगो, शायद तुम्हारे खुदा को तुम पर रहम आ जाए। देखो, तुम एक औरत हो, मैं भी एक औरत हूं, और औरत का दर्द सिर्फ एक औरत समझ सकती है। मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ कि मुझ पर रहम खाओ, यहां से निकलने में मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मुझे तुम्हारी जवानी पर रहम आता है, मैं तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता बताती हूँ। यहाँ से बाहर निकलकर दाईं ओर एक दरवाजा मिलेगा जहाँ पे कोई पहरा नहीं है, और वो दरवाजा जंगल में निकलता है। जाओ। हाँ हाँ, जाओ जाओ बहन। अगर तुमने निकलने की कोशिश की ना, तो वो लोग तुम्हारी मोटी बोटी नोच लेंगे, समझी? चल चल चल, छोड़। अरे चल, यहां मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी कि यहां से निकलना इतना आसान नहीं है। तू औरत नहीं, डायन है। डायन वो तो मैं हूं। मेरी बेबसी का मजाक उड़ाकर आखिर तुझे क्या मिला? ये हमारा रात दिन का खेल है, और हमको इसी खेल में मजा आता है। लेकिन कुदरत जब अपना खेल दिखाएगी तो सारा मजा भूल जाएगी। देखेंगे, तुम्हारी कुदरत का तमाशा भी देख लेंगे। Thank you.
परवरदिगार, ऐ दोनों जहां के मालिक, अब मेरी आबरू तेरे हाथ है। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। मैं भी एक बेबस लड़की हूं, मेरी मदद कर, अपनी रहमत का करिश्मा दिखा। आमीन। क्यों, होश आ गया? घबराओ मत, हम तुम्हें एक बार फिर बेहोश कर देंगे। मगर पहले हम तुमको दो अच्छी खबरें सुनाएंगे। पहली खबर यह है कि गजाला की शादी हो रही है, मगर सुल्तान बख्त के साथ नहीं, बल्कि हमारे सरदार खलकाश देव के साथ। क्यों, सुन ली खबर? और दूसरी खबर यह है कि कल का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं जान दे दूंगी मगर शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। बदतमीज, शादी तो तुझे करनी पड़ेगी। चल बैठ अपनी जगह। नहीं बैठूंगी। नहीं बैठेगी? नहीं नहीं। छोकरी देखना अब मैं तेरा खून किस तरह पीती हूँ। इसे जबरदस्ती दुल्हन बनाओ, अगर ये कोई गड़बड़ करे तो जूती मार मार कर इसकी खाल खींच लो। जाओ। अगर कोई मेरी तरफ बढ़ा तो उसकी जान ले लूंगी या फिर अपनी जान दे दूंगी। आओ आओ। ये जिद्दी लड़की इस तरह नहीं मानेगी। गजाला, तुम आ गए? हाँ गजाला, मैं आ गया। तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ कर आ गया गजाला। अगर तुम नहीं आते तो मैं अपनी जान दे देती। फिक्र मत करो गजाला, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता गजाला। मगर वो जालिम देव, खुदा ने उसके दिल में रहम डाल दिया है, हमारे लिए रहम डाल दिया है गजाला। अब हमारा दुश्मन नहीं, दोस्त है। हमारा दोस्त? हाँ, अब वो हमारा दोस्त बन चुका है। हमारा दोस्त बन चुका है, दोस्त, और अब वो हम पर मेहरबान भी है। मगर कैसे? वो हमारी मोहब्बत की ताकत को मान गया है गजाला। जब तुमने खंजर से वार किया तो उसे महसूस हुआ कि जबरदस्ती किसी से जीता नहीं जा सकता, और उसने हमारी मोहब्बत के सामने हार मान ली। खुदाया तेरा लाख लाख शुक्र है। और अब तो वो हमारी शादी पर भी रजामंद हो गया है। लेकिन इसमें उस कमीने की कोई चाल तो नहीं? अरे नहीं नहीं, उसने खुद मेरे सामने तवा की है, और अब तो वो शर्मिंदा भी है।
इसलिए तुम्हारे सामने आने से कतरा रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी थोड़ी सी शराफत उसमें बाकी है। हाँ, तभी तो उसने मेरे सामने अहद किया है कि वो अपनी आंखों के सामने हमारी शादी करवा देगा। क्या? हाँ, वो तुमको मेरे साथ रुखसत करेगा खुद। मगर अब कुछ मत सोचो, जल्दी से बन सवर कर दुल्हन बन जाओ। तकदीर हम पर मेहरबान है। ओ सुल्तान, तुम हंसी खुशी से दुल्हन बन जाओ। आज की रात हमारी रात होगी। मगर हमारा सिंदबाद? देव ने वादा किया है कि वो उसे आजाद कर देगा। वो हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दिया जाएगा। अरे हाँ दारा, ये तो वाकई मर गया। बेचारा हमारी मेहमान नवाजी सहना सका और वक्त से पहले ही कुछ कर गया। अफसोस, अपने सरदार की शादी का एक बाराती कम हो गया। चलो इस बेचारे की लाश को उतारे और इसकी जबान भी खोल दे। हाँ यार, मेहमान के साथ इतना नर्म सलूक तो करना ही चाहिए। बाहर इस हीरे ने मेरी जान बचाई। तेरा शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है परवरदिगार। अब तो तुम्हारे दिल की मुराद पर आई, तुम्हें तुम्हारी पसंद का दूल्हा मिल गया। हाँ, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली, बहुत जल्द तुम अपने दूल्हे का दीदार करोगी। मगर सुल्तान है कहाँ? जिस तरह तुम सज धज कर दुल्हन बन रही हो, उसी तरह तुम्हारे सुल्तान बख्त को भी सजाया जा रहा है। जब तुम उसे देखोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। मगर वो मेहरबान देव कहाँ है? वो तुमसे बहुत शर्मिंदा है। अब वो उसी वक्त तुम्हारे सामने आएंगे जब तुम्हारे सुल्तान बख्त को दूल्हा बनाकर तुम्हारे हवाले कर देंगे। आज मैं दूल्हा बनूंगा, शादी करूंगा। जाओ जश्न की तैयारियां करो। Ha 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 ha
आओ मैं तुम्हें एक तमाशा दिखाऊं, गजाला और हमारे सरदार खलकाश देव की शादी का तमाशा। ये नहीं हो सकता। हाँ, मगर गजाला की शादी हमारे सरदार के साथ नहीं बल्कि सुल्तान बख्त के साथ हो रही है। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे सरदार ने जादू के जोर से अपनी सूरत तुम्हारी सूरत जैसी बना ली है और अब तुम्हारी गजाला हमारे सरदार को सुल्तान बख्श समझकर उसके साथ शादी करने को तैयार हो गई है। क्या? हाँ, उस बिचारी के साथ इतना बड़ा धोखा। तुम्हारी गजाला बहुत खुश है, यकीन नहीं होता तो आओ मेरे साथ, अपनी गजाला को अपनी आंखों से देख लो। कहते हैं कि कानों सुनी बात झूठ हो सकती है मगर आंखों देखी बात कभी झूठ नहीं होती, मगर आज ये झूठ तुम्हारी नजरों के सामने है। देख, गौर से देख और फिर बता कि तेरी गजाला किसके साथ बैठी है। गजाला, गजाला। तो फिर इस कमीने ने वही चाल चली है। गजाला, गजाला। अरे बेवकूफ, यह अनदेखी दीवार है, जादू की दीवार, तो इसे सर टकरा टकरा कर मर जाएगा मगर इस दीवार के दूसरी तरफ नहीं जा सकेगा, तो चीख चीख कर जान दे देगा। गजाला, मगर तुम्हारी आवाज यही बिखर कर रह जाएगी। अब इत्मीनान से यहां बैठ और अपनी, मेरा मतलब है हमारे सरदार की शादी का तमाशा देख। सिंदबाद, सुल्तान, सिंदबाद, सिंदबाद, मेरी गजाला वहां है, उसे निकाल वहां से। सुनो ये निकाल सुल्तान, तो सुल्तान इधर आओ। खलकाश देव है जो मेरी सूरत बनाकर
तुमको धोखा दे रहा है। गजाला, तेरा आशिक ठीक कह रहा है। हाँ, मैं खलकाश देव हूँ, खलकाश। सुल्तान, सुल्तान, गजाला, सुल्तान, गजाला, सुल्तान, गजाला, गजाला, नहीं छोड़ दो मुझे, गजाला, सुल्तान, गजाला, गजाला। Okay. ये शादी बड़ी धूमधाम से होगी। और तेरा जनाजा भी बड़ी धूम से उठेगा। तो तू बच गया? हाँ, इसलिए क्योंकि तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। तू जानता है कि मुझे कोई नहीं मार सकता। दुनिया की कोई भी आग मुझे जला नहीं सकती। कोई भी हथियार मुझे जख्मी नहीं कर सकता। क्योंकि क्योंकि मेरी मौत मेरी मुट्ठी में है। हाँ, मेरी मौत मेरी मुट्ठी में है। तेरी मुट्ठी में थी, अब मेरी मुट्ठी में है। तेरी मौत का राज मरने से पहले तेरे उस्ताद मुझे बता गए थे। सिंदबाद, सिंदबाद, मेरी खाल वापस कर दो सिंदबाद। अब ये खाल वापस नहीं होगी। नहीं सिंदबाद, नहीं, मेरी खाल मुझे वापस दे दे सिंदबाद। अब मैं अपने खून के एक एक कतरे का बदला लूंगा। हाँ, एक एक कतरे का हिसाब लूंगा। बस
सिंधवाद। सुल्तान रुक जाओ खलकाश, रुक जाओ। देखा, नेकी की आखिरकार हमेशा जीत होती है और बदी की हार। अब तो अपनी मौत का तमाशा अपनी आंखों से देख। नहीं नहीं सिंधवाद, नहीं सिंधवाद रहम, नहीं सिंधवाद रहम, रहम सिंधवाद, नहीं नहीं सिंधवाद, नहीं रहम सिंधवाद, सिंधवाद रहम, रहम सिंधवाद, बेरहम पे रहम कभी नहीं, सिंधवाद रहम, सुल्तान सुल्तान रहम, रहम सिंधवाद, सिंधवाद रहम।